हेलो जी नमस्कार सर देखा था वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग एंड टू माय चैनल। दिस इज मनीष, आपका स्वागत है ब्रेजी नोमैड में, आपका स्वागत है पोखरा से। एंड आज मैं डायरेक्ट बाइक से स्टार्ट कर रहा हूँ यार। बाइक इज रेडी नाउ आई गेस, आई वुड से दैट बिकॉज क्या तो रहे बोले थोड़ा दिक्कत है ECU में, EPM में, वो सब दिक्कत है मेरे को नहीं, मतलब गाड़ी में वो सारा दिक्कत है जो अभी भी इनसे रिजॉल्व नहीं हुआ है। अभी चल रहा है गाड़ी, बस राम भरोसे चलेगा। अभी भी आज भी ऑफ रोड बहुत ज़्यादा है, मेरे को नहीं पता ये चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, आई कॉन्ट गारंटी दैट बिकॉज ये बोल रहे कि एक अपडेट होता है 503 और ये उस अपडेट पे जा नहीं रही है, अपडेट कर देते हैं उसके बाद वापस ये 501 पे अपडेट पे आ जाती है। और दूसरा जो थ्रॉटल इन्होंने चेंज करके देखा, किसी दूसरी गाड़ी का थ्रॉटल लगा के देखा, बट स्टिल कोई फ़र्क नहीं पड़ा, थ्रॉटल चेंज करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ECU नया है बट स्टिल वो जो ECU और TFT का मैचिंग होना चाहिए वो बोल रहे वो हो नहीं रहा है, ECU उसके साथ मैप नहीं हो रहा है ढंग से। और तीसरा एक और चीज़ बोली यार, मेरे को याद नहीं आ रही है, EPM, हाँ EPM बोल देना मैंने शायद, एक कैनवस करके बोला और एक एरर आ रहा है कोई, जो इनका एक टूल होता है उसके ऊपर वो एरर आ रहा है, जो कि वही अपडेटिंग वाला एरर है जो सही नहीं हो रहा है और वो सिर्फ इनके टूल पे आ रहा है, नॉर्मली आ नहीं रहा है। वी आर ऑफ टू लेटे बट वही जैसे मैंने कल भी कहा शायद कि वी आर नॉट टेकिंग द नॉर्मल रूट्स, वी आर नॉट टेकिंग द टूरिस्ट रूट्स, वी आर नॉट टेकिंग द बाइकिंग रूट्स, हम बिल्कुल ही ऑफ रोड ट्रेल्स करते हुए जा रहे हैं। आज भी शायद 4 से 5 किलोमीटर का ट्रेल है जिसमें 2 घंटा लगेगा और वो ट्रेल हमें लंच पॉइंट पे पहुंचा देगा एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रिप। देखो ट्रिप से कोई मुझे दिक्कत नहीं है, ट्रिप मेरे को बहुत सही जा रहा है अभी तक, मेरा वही दिक्कत है यार मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरे को मेरे से पैसे ले जा रहे हैं, मेरा गाड़ी ठीक करके नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इंडिया में मैंने 1.5 महीना पहले इनको बोला था ट्रिप से काइंड अप्रैल में दिक्कतें शुरू हुआ था, अप्रैल में मैंने इनको बोला था कि ये दिक्कत है और ये मेरे को जहाँ बोलोगे मैं उस सर्विस सेंटर में चला जाऊँगा मगर ये दिक्कत है जो कि मुझे सॉल्व करके चाहिए है। और इन्होंने बोला था यहाँ चले जाओ और भाई मैंने एक नहीं यार 3, 4, 5 जितने सर्विस सेंटर हो सकते थे सबके पास गया हूँ, आज तक इनसे इशू ही नहीं रिजॉल्व हुआ। तो क्या फ़ायदा यार ऐसा सर्विस सेंटर होने का, तुमसे इशू, तुमको इशू नहीं समझ आ रहा और नॉर्मल सा इशू होगा और इनका वो भी नहीं कि कोई बहुत ऐसा वियर्ड सा इशू है, ये जो सेंसर वेंसर है ना या इलेक्ट्रॉनिक जो लगे जैसे ABS वगैरह यही ऊपर नीचे हो रहे हैं इनके जो इशू दे रहे हैं मुझे बार बार। अगर मैं बिल्कुल सब कुछ बंद कर देता हूँ ना, क्विक शिफ्टर बंद कर दो या सब कुछ बंद कर दो तो गाड़ी नॉर्मल सही चल रही है और अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। अभी मेरे को बोला है कि अभी आप इंडिया जाओ, अभी तो गाड़ी चल रही है जैसी चल रही चलानी पड़ेगी मेरे को और अभी आज लैग नहीं है, जो इधर लैग था ना लैग नहीं है, कल क्या था लैग था, पहले लैग था और बाद में एकदम से फिर ख़त्म हो गया, मतलब वो लैग के साथ फिर क्रैंक भी नहीं हो रही थी, लैग हुआ और बंद। एनीवेज वो सब देखता हूँ मैं क्या है, व्यू मिस नहीं करते हैं। ये है पोखरा का लेक, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा मैंने इसका वीडियोस वगैरह देखे हैं, ड्रोन शॉट देखे बट यहाँ ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है, अब पहले था अब उड़ाओगे तो यहाँ पुलिस पकड़ लेगी, तो ड्रोन शॉट उड़ाना उड़वाना ड्रोन शॉट उड़ाना यहाँ अलाउड नहीं है बट मस्त लेक है। पोखरा टू बी वेरी ऑनेस्ट वंस वी एंटर्ड पोखरा मुझे काठमांडू से ज़्यादा हैपनिंग लगा कसम से। और अभी थोड़ी देर बाद एक माचू पीचू, देखो मैं नाम गलत बोल सकता हूँ मेरे को क्योंकि पता नहीं है, मैंने सुना बट मैं उतना ध्यान से नहीं शायद सुना, मैंने एक जगह का नाम बोला, एक पर्वत का नाम बोला माचू पीचू, वो भी आएगा आज और दूसरा बोला अन्नपूर्णा रेंज दिखेगी, वो शायद कल भी दिख रही थी तो वो भी आज हम देखेंगे अपन बाइक के थ्रू। एंड बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सो फार सो गुड। लिंक रोड टाइप का है बट इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, मेरा हर सेक्शन में मन कर रहा है मैं अपना
कैमरा ऑन करूँ या ड्रोन उड़ाऊँ, यहाँ पे मस्त दिखेगा, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा, बहुत ज़्यादा सुंदर है ये जगह, बहुत ज़्यादा। मेरे हिसाब से तो ऑफ रोड चालू हो चुका है, प्रॉपर एंड्यूरो भाई, प्रॉपर एंड्यूरो। आई विल बी टॉकिंग लेस क्योंकि आई हैव टू बी फुली कॉन्सेंट्रेटेड, बट इट्स वेरी फन। हाँ, इट्स टायरिंग बट इट इज फन एट द सेम टाइम। व्हाट अ सेक्शन मैन, व्हाट अ सेक्शन, लव्ड इट। पहले तो इससे आप नहीं, वैसा है, वैसा है, वैसा है। अरे यार, पत्थर वाला चाहिए था थोड़ा। मेरे को लगा हो गया शुरू, अभी मार दे फुल सेंड। मजा आया आपको? मजा आया, बस ताएगा वो नो, फील आ रहा नहीं है यार। नहीं, फील आ रहा है। हाँ, नहीं नहीं, वो हल्के, मैं भी हल्के थ्रॉटल पे ले रहा हूँ, बट ओवरटेक हो जा रहा है क्योंकि अगला रुक रहा है। हा? अगला बंदा जो चल रहा हमारे, वो रुक रहा है। हाँ, लेकिन वही थोड़ा थोड़ा है। So this is kind of a good trail, and you can have a good view of mountain as well. So that they can enjoy the trails as well. So only locals knows it. Yeah, only locals knows it. So this is the main reason that I brought from this trail. Thank you. Oh, everybody is gearing up. Now with me, Mayur, Vishal, Zain kahan hai? हाँ, एंड जेन और विजय भाई हम आगे चलेंगे, छः छः का ग्रुप बना के चलेंगे, और ऐसा ट्रेल है, पीछे वाला बोल्डर सेक्शन नहीं आएगा, वैसा बोल रहे हैं। सुपर्ब इट इज, सुपर्ब। और ऐसा लास्ट ऐसा फन ट्रेल मैंने हिमाचल में किया था, तब मगर लैंडस्लाइड हुआ था और मुझे वो हाँ आगे नहीं देखा एंड गिर गया मैं। Looks good. BJ is here. Stop here. And it's best we take rest and go because. हाँ, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा push हो रहा है. Break ले ले फिर आजा. ऊपर के लिए आजा. Break ले ले थोड़ा. आया? तो ऊपर से मैं अच्छे से शॉट दिखाऊंगा, यहाँ से ये अन्नपूर्णा रेंज देख रही है। भाई वो दूसरे वाले का नाम क्या बोला? माचा पूछ रहे। ओके, ये जिसका तेल होता ना, इसलिए फिस्टे, माचा पूछ रहे बोलता है। अच्छा अच्छा, और ये 8000 से ऊपर है कि नहीं? ये भी 8000 से ऊपर है। ये बिल्कुल सामने जो है ये तो अन्नपूर्णा है।
और वहाँ जो है वहाँ माचापूत्रे, माचापूत्रे इज लाइक टेल, ओके, एज पिज़ा सेड। गोप्रो में दिखाई देगा? ठीक है, गोप्रो में नहीं दिखाई देगा, अभी ऊपर जाके ड्रोन उड़ाते हैं। So this is best place to view our mountain range. Okay. The middle one is the Masapusre. Middle one, this yeah, one. Yeah. Okay. And the front one is the all the Annapurna range. Annapurna 1, 2, Annapurna 3. That is Annapurna 1. I don't know the ranges, like there is Annapurna 1, 2, Annapurna 3, you can see. But there is a... The middle one is Masapusre. Masapusre. Okay. ठीक है. Thank you, Vijay. Bye. Good. We saw the... मैंने शायद तुम कहाँ? तुमको भी दिखा दिया अभी, जिन्हें जो तीनों रेंज दिखाया, अभी ढक गया तीनों रेंज. और हम यहाँ रुके हैं पिछले 45 मिनट से, लगभग 45 मिनट से ज़्यादा हो गया, क्योंकि जो तो सब फंस रहे हैं जगह जगह पे. तो अभी भी कितने कितने अभी कैश नीचे नीचे कितने अभी बहुत है नीचे, बहुत राइडर अभी भी फंसे हुए हैं. अगर वो अभी नहीं आते तो हम ट्राई करेंगे कि वो हिल टॉप पे पहुँचे, और उसके बाद क्योंकि फिर डाउन हिल है और फिर लंच के लिए जाना है. इतना फास्ट नहीं सोचा था शायद बीजे ने भी, क्योंकि हम बहुत जल्दी आ गए रहे ऊपर, रुके ही नहीं हम. और जबकि हमने बीच में दो ब्रेक लिए छोटे छोटे से, तब भी हम बहुत जल्दी पहुँच गए ऊपर. शी इज़ द ओनली राइडर भाई, मस्त गाड़ी चलाती है. इसके बाद ऐसे एक्स क्रॉस है. कुछ क्लिक मत कर, हाथ हटा दे. कल से चिढ़ा रहा है, बोलता है तू ऊपर नहीं गया ना, ये फिर से आएगा नेपाल. हाँ, फिर मैं इसके साथ जाऊंगा मानांग करने, रारा लेक नहीं तो. सो फार सो गुड. और नीचे होंगे अभी कितने होंगे, 15-20 तो, 15-20 है नीचे अभी भी. ज्यादा है, ज्यादा है. राइडर कितने अभी ऊपर? क्या बात कर रहा है, 20 तो सही ना, 10 है. फंसे हुए नहीं, फंसा हुआ कोई नहीं होगा. तो क्या ब्रेक ले रहे हैं?
चुकी रहा है, थोड़ा सा मडगार्ड निकल गया नट में से, वापस लगाऊंगा। लगा के मिलते तुम। We have stopped at a random place because ने हमें रोका पानी के लिए and random house पीछे बकरी वगैरह सब है यहाँ पे। गांव में रुके हैं और हम सिर्फ चार हैं, पानी भरने रुके हैं और उसके बाद आगे निकलते हैं और प्रॉपर शॉर्ट शॉर्ट देते जा रहे हैं। स्टॉप फॉर लंच ब्रेक, नाउ वी आर ऑफ टू लेटे। यहाँ से 2-3 घंटे का रास्ता है, प्रॉपर ट्रेल करके आए आज। पंचशम करके जगह थी जहाँ वो ट्रेल करके आए अपन। और आई होप यू लाइक द ड्रोन पार्ट, आई होप यू लाइक द वीडियोज, आई होप यू लाइक द क्रैश जंप्स वॉट एवर देर वॉज, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें थी। क्रैश हुआ, जंप हुआ, व्हीलीज हुआ, ड्रोन शॉट हुआ, तुमको सब वो पसंद आ रहा है। अभी यहाँ से ऑफकोर्स मतलब नॉर्मली चलाने वाला भाई थक जा, लंच करने वाला तो हालत टाइट हो जाता है और लंच भी 6 बजे हो रहा है इनका, 6 बजे तो लंच करा रहे हैं ये लोग। बाकी सो फार सो गुड, मैं सोचा था 7-8 बजे तक वो पहुंच जाऊंगा तो मैं ये गॉगल्स पहन के पहुंच जाऊंगा, बट ये फिर से गॉगल मेरे को पीछे लटकाने पड़ेंगे। और आगे बोल रहे हैं कि बिने करके एक जगह है जहां तक ये टारमैक दिखेगा, उसके बाद प्रॉपर ऑफ रोड है। ऑफ रोड इन द सेंस कि वही जो कल देखा होगा तुमने, मिट्टी वाला रोड। और आगे इन्होंने बोला कि आज बॉनफायर वगैरह भी है, जो भी है वो इंतज़ाम किया है, वो सब तो देखेंगे क्योंकि पहुंचते इतना लेट है कि हालत टाइट हो गई होती है और उसके बाद कुछ मन नहीं करता एंजॉय वगैरह करने, उसके बाद मन करता कि सिर्फ जाके सो जाओ। बीच बीच में एकदम से तुम टारमैक देखो ना, तुम्हें थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है टारमैक देख के। वो दिख भी नहीं रहा होगा मैं ढंग से, वन ऑफ मैनी बैड थिंग्स देर आर अदर्स, वो मैं किसी फुर्सत में या इंस्टाग्राम पे देख लेना, रील बनाया होगा मैंने, बट दिस इज़ वन ऑफ द मैनी बैड थिंग्स अबाउट दिस ट्रिप कि रात में गाड़ी चलाना पड़ता है। वन ऑफ मैनी बैड थिंग्स है कि रात में चलाते हैं और इस यहाँ पर रोड नहीं है यार। रात में गाड़ी चलानी पड़ती है और रात में ये रोड है नहीं चलाने वाला, क्योंकि अभी यार एक तो गोप्रो ऑन करूँ या मैं सामने देखूँ वो भी नहीं समझ आता, क्योंकि सामने एक ट्रक था, लिटरली ट्रक था और वो दिख नहीं रहा क्योंकि इतना मिट्टी उड़ रहा है और वो मिट्टी तुम्हें बिल्कुल ऐसा फॉग टाइप दिखता है और वो ट्रक का कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा और वो तुम्हें मिट्टी ऐसा भापका लग रहा है और एकदम से मुझे दिखा वो ट्रक है तो मैं पीछे मेरे राइडर में भाई रुक जाओ यहाँ ट्रक है के आगे, ये देखा ये उठा क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे, इसका वाइजर खुल गया। ओ इधर, हेलो इधर है स्क्रू, वो गिरा है ब्लैक कलर का स्क्रू। रात के बजे 7:40, इसलिए मैंने पीछे कहा कि दिस इज मोस्ट डेंजरस थिंग जो मुझे लगती है नाइट राइड करना, और ये नाइट राइड करा रहे हैं एंड रोड नहीं है, ऑफ रोड है प्रॉपर, बीच में अभी रोड आ गया और इस साइड ना बीच में रोड बिल्कुल ऐसा पतला है, बहुत ज़्यादा पतला है और इस साइड जो है खाई है या पता नहीं कुछ तो है, इसीलिए बोल रहा हूँ इस साइड खाई है और बिल्कुल पतला बीच में रोड आ रहा है तो वो भी निकाल देंगे रे ये लोग, वो निकाल दूंगा भाई, उनका भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अब ठीक है अपने साथ चले, चलने दे। उस साइड वो है मतलब थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो उधर भी जा सकते हैं, पर ठीक है नाइट राइड मत करो और ऐसे पहाड़ों में मत करो। नेपाल इज़ अ ब्यूटीफुल, नेपाल है तो ब्यूटीफुल टेरेन, बट नाइट लाइफ नाइट राइड के लिए नहीं बने ये,
ये बहुत अजीब है भाई, बहुत ज़्यादा स्लीपिंग। गाड़ी फंस गया है, आराम से एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए, मुझे वो करने दे गॉगल पीछे। चल मार, शाबाश, चल मार। ना ना ना, तो इस साइड आना, उपली से इस साइड रख पाऊँ, उसको ऊपर रख, थ्रॉटल दे, हाँ दे, बस बस। ऋषि, ऋषि, और ऋषि इसका आगे वाला वो पकड़ियो, कुछ नहीं हुआ, क्रैश गार्ड। अरे चल दे, कह रहे तीन पर ही चलो ना। हाँ तीन पर ही चलो ना, एक में नहीं मिल रहे। कोई बात नहीं, सॉरी, तीन पर ही चलो। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, कर दे, डिम कर, डिम कर ले लाइट, कर दी कर दी। चल आराम से आराम से, आराम से आराम से। हाँ पता नहीं क्या देख रहा था, मुझे क्या, कोई बात नहीं, तू ठीक है ना, मेरे पीछे चला सकता है। हाँ हाँ। राजीव स्टे इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है, मेरे आगे चलेगा, मैं तेरे को पुश नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट पुशिंग यू, डू व्हाट यू कैन डू, बट ऑन द डाउन हिल डोंट डू क्लच क्लच, ठीक है, लीव द बी ऑन फर्स्ट गियर, बी ऑन इंजन ब्रेक, ठीक है। ओके, पानी का डर निकालूंगा। पानी का डर नहीं है रे, वो कुछ नहीं है, रात में नहीं दिख रहा तेरे को, और कुछ नहीं, मेरा भी गाड़ी कहीं भी जा रहा था, नहीं दिख रहा रात में वो। समवेयर ऑन द रोड विद राजीव, ऋषिकेश, ऋषिकेशन समथिंग, ये साले नाम ही नहीं बताता मेरे को। अरे आशीष, ऋषिकेशन आशीष। हाँ ऋषिकेशन आशीष, राजीव विशाल, बिकॉज कोई पीछे नहीं है, कोई आगे नहीं है, हमें बीचे से बिकेश ने बोला जाओ जाओ, क्योंकि ये थोड़ा काम कर रहा था, तो फिर अपन थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं। साथ में कोई रिवर है, व्हाट रिवर इज दिस, कोई रिवर दिखा रहा है क्या, लाइटर है क्या, व्हिच रिवर इट इज, काली गंदाकी रिवर, अच्छा हाँ वो पीछे भी वही लिखा है, ऑन द ब्रिज ऑल्सो इट इज रिटन काली गंदाकी, काली गंदाकी रिवर एंड 24 किलोमीटर मोर टू गो। And कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, टेंशन नहीं, 24 किलोमीटर मोर टू गो, एंड उसके बाद लेटे आ जाए, लेटे से पहले घास घा क्या वो घास घसा घास, भाई सॉरी यार मैं अगर नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, घासा घासा, लेटे से पहले कहीं घासा आएगा जहाँ पर अपने को परमिट दिखाना है लवर मस्टैंग का। टेंशन नहीं ब्रो। राजीव यू आर फ्रॉम चेन्नई? चेन्नई, हां आई थॉट आई वाज अंडरस्टैंडिंग हिंदी राइट, आई थॉट के मैं अंडरस्टैंड हिंदी बट कैन नॉट एबल टू प्ले। ओके बट यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश राइट, व्हाट डू यू डू? आई वर्क फॉर KTM। यू वर्क फॉर KTM? योर नेम इज राजीव। हे मैन प्लीज गेट माय बाइक फिक्स्ड देन। आई एम फ्रॉम सेल्स टीम। हां I'll talk to my counterpart, service team. Because Bangalore still, you know, there is no service SMS team. It's vacant. So only... Because it's a very big issue, man. And still going on. They have... You go there, I'll talk to service, sales SM there.